हेलो दोस्तों, प्रेग्नेंट महिला की सबसे जो बड़ी समस्या होती है पूरे प्रेगनेंसी के दौरान, वो होती है उनके गर्भ में पल रहा शिशु का कमजोर होना। कमजोर शिशु की ग्रोथ सही से नहीं होती है, शारीरिक और मानसिक विकास में भी कमी रह जाती है। इन परेशानियों से बचने के लिए गर्भधारण के बाद से ही आपको अपना ध्यान रखना होगा, ताकि आपका शिशु स्वस्थ और सही वजन में हो। इस वीडियो में बताई गई बातों का अगर आप ध्यान रखती हैं, तो आने वाले समय में आपका शिशु कमजोर नहीं होगा, आप एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे पाएंगे। क्योंकि कमजोर शिशु गर्भावस्था के दौरान भी परेशानी पैदा करता है और जन्म के बाद भी परेशान करता है, इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और ऐसा क्या खाएं कि गर्भ में शिशु कमजोर नहीं हो, और अगर कमजोर है तो वो वेट गेन करे और उसका विकास भी सही तरीके से। दोस्तों, आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। कुछ चीजें बता रही हूँ जिसका इस्तेमाल आप पूरी गर्भावस्था के दौरान जरूर करें। छैना खाएं। छैना आपको पता है दोस्तों, रसगुल्ले, रसगुल्ले का इस्तेमाल करें, पर वो रसगुल्ले जिसमें छैना हो, सिर्फ छैने का बना, क्योंकि छैना में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है जो गर्भ में पल रहे शिशु का वजन बढ़ाने में मदद करता है। प्रेग्नेंट महिला अगर सुबह खाली पेट छैना खाती है तो गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ होगा, गोरा होगा, सुंदर होगा और वो सही वजन में होगा। शिशु का सही वजन अगर आप चाहती हैं तो गर्भावस्था के दौरान छैना का सेवन जरूर करें, पर शुद्ध छैना होनी चाहिए दोस्तों, ऐसे मार्केट में मिलने वाले रसगुल्ले नहीं, इस बात का आपको ध्यान। दूध और दूध से बनी चीजों का खूब सेवन करें। दूध में कैल्शियम और प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है जो शिशु की हड्डियों और मांसपेशियों के बेहतर विकास में मदद करता है। दूध पीने से शिशु का वजन भी बढ़ता है। आप दिन में 2 से 3 बार एक एक ग्लास दूध जरूर पिए। इसके साथ दही, मक्खन, घी, पनीर का सेवन भी आपको खूब करना चाहिए। दालें जरूर खाएं दोस्तों, क्योंकि दालों में प्रोटीन, कैल्शियम और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं जो गर्भ में पल रहे शिशु के शारीरिक विकास में मदद करते हैं। आप रोजाना खाने में दाल जरूर लें, ये शिशु का वजन बढ़ाने में मदद करेगी और पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देगी। शिशु का विकास समुचित तरीके से है और आपको भी गर्भावस्था के दौरान कोई दिक्कत नहीं है। गर्भ में शिशु का विकास सही तरीके से नहीं हो रहा है अगर, तो प्रेग्नेंट महिला को उबले हुए अंडे का सेवन रोजाना करना चाहिए। अंडे में प्रोटीन और कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो गर्भ में पल रहे शिशु के विकास में मदद करते हैं। ड्राई फ्रूट दोस्तों जरूर खाएं, क्योंकि ये प्रेग्नेंट महिला के शरीर को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। अगर गर्भ में शिशु कमजोर हो तो प्रेग्नेंट महिला को ड्राई फ्रूट जरूर खाने चाहिए। ये आपके शिशु को स्वस्थ रखने के साथ साथ वजन बढ़ाने में भी मदद करेगा। पूरी गर्भावस्था के दौरान हरी सब्जियां, साग और फलियां खूब इस्तेमाल करें, उसमें तेल मसाले कम हो ये ध्यान रखें। यह आपके लिए और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा दोस्तों, और शिशु का विकास भी तेजी से होगा। उसके बाद रोजाना फलों का सेवन करें, खासकर अंगूर, अनार, सेब, केला जरूर खाएं। इससे आपका शिशु कमजोर नहीं होगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपको ताकत मिलेगी। इन सभी चीजों के साथ साथ आपको समय समय पर डॉक्टरी जांच करवाते रहना चाहिए, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु की स्थिति का पता चल सके कि शिशु किस पोजीशन में है, वेट सही गेन कर रहा है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर कोई दिक्कत होगी तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगी, इलाज करेंगी, ताकि शिशु का विकास और वजन सही समय पर सही तरीके से हो और डिलीवरी तक कोई दिक्कत नहीं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।